एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, वो आदिदेव परमात्मा एक ही है। उसका प्रकाश समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। आज हम पुनर्जन्म के विषय में बात करेंगे और हम लोग मुरादाबाद में हैं और हमारे साथ में हैं माता जी। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला, आप यहाँ मुरादाबाद की रहने वाली हैं? जी, काशीराम के। काशीराम, हाँ, ब्लॉक। जी जी, तो ये जो घटना है पुनर्जन्म की, आपके पति की है? जी, पति जी की। हाँ हाँ, तो उनके विषय में बताइए, क्या नाम था उनका? श्री महेंद्रपाल सिंह। महेंद्रपाल सिंह, कहाँ पे काम करते थे वो? पुलिस में थे। पुलिस में थे, अच्छा अच्छा तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई? अब 16 में रिटायर हुए थे, सन 17 में खत्म हुए थे। घर पे ही खत्म हुए थे? घर पे ही खत्म हुए थे। तो उनका पिछला जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। मेरठ। हमारे ससुर जी मिलिट्री में थे जी, सुबेदार थे, तो मेरठ में जन्म हुआ था उनका। हाँ। तब कहते थे मुझसे कि मैं पहले कप्तान था और मेरी बीवी मेम साहब थी, तो अच्छा। बच्चे थे और मैं भागता था। कहाँ पे पोस्टेड थे वो पहले जब कप्तान थे? ये तो नहीं बताया गुरुजी। अच्छा, ये नहीं बस बताया। ये नहीं बताया, इतना ही बोलते थे। मैं कप्तान था, दो बच्चे थे और मैं जाता था भाग भाग के, तो पापा डांटते थे, मम्मी डांटती थी। भाग के कहाँ चले जाते थे? जहाँ उनका पहले घर था वहाँ जाते थे। अच्छा अच्छा, इस जन्म में जहाँ पहले परिवार था, परिवार था, हाँ, वहाँ चले जाते थे। वहाँ जाते थे। हाँ। तो पहला परिवार कहाँ था ये आपको कुछ ध्यान नहीं? नहीं, नहीं आपको नहीं पता? उन्हीं को पता था? उन्हीं को पता था गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो हम गुरुजी ऐसी क्यों सोचते थे, ऐसी कह रहे हैं ये? हाँ, तो मुझसे एक दिन बोले मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरी फिर बुद्धि फिरवाई थी। मैं जब 5 साल का हो गया तो बुद्धि कैसे फिरवाई? अब पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं करवाया, तो कुछ तो वो कुमार के चाक पे बैठा के उल्टा घुमा देते हैं। ये नहीं पता गुरुजी, कुछ चक्की पे बैठा के उल्टा घुमा देते हैं, ये नहीं पता। कुछ डांट फटकार करते हैं कि बोलना मत कहना मत हो सकता। हाँ जी, तो वो भूल जाते हैं उन चीजों को। तो पहले वो मेरठ में थे? मेरठ में रहते थे ससुर जी हमारे। अच्छा अच्छा, उन्हीं के साथ मतलब परिवार रहता था उनका। तो फिर यहाँ मुरादाबाद में आप आ गए? मुरादाबाद में हम आ गए गुरुजी, हमारे ससुर जी रहते थे मेरठ में। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो भी खत्म हो गए। अच्छा। फिर मुरादाबाद में तो इनकी पोस्टिंग हुई, तब आए थे। अच्छा, आपके पति के? हाँ जी। तो यहाँ पे आके उनकी कैसे मृत्यु हो गई थी? यहाँ उनकी अटैक पड़ा सर। अटैक पड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं गुरुजी। 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी। अच्छा, शादी वादी? शादी सबकी होगी, 2-2 बच्चे हैं सब पे। अच्छा अच्छा, तो आप बस परमेश्वर का नाम जपते रहिए जी। देखिए, शरीर तो सभी को छूटने हैं, हैं? और सुख दुख भी जीवन में सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी को सुख ही सुख मिलेंगे या हमेशा दुख ही दुख मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का नाम आप जपते रहिए। नामदान आपको है ही है? जी हाँ, मेरे परिवार पे, बहुओं पे भी है, दोनों पे। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे अग्नि शयनम। बार बार ये जीवात्मा जन्म लेता है, बार बार इसकी मृत्यु होती है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे दुर्बुद्धि, उस परम ब्रह्म का सिमरन कर, उसको जपता रहे, पुण्य कर्म कर, जिससे तेरी आत्मा में प्रकाश बना रहे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।